धन्यवाद सम्मानीय सभामुख महोदय। मैं सम्मानीय सभामुख महोदय के मार्फत इस सम्मानित सदन में अंतरिम कार्यविधि के तहत नेपाल सरकार के प्रमुख और मंत्री जी से मेरा कुछ सवाल है, उसका जवाब भी आएगा मुझे उम्मीद है, विगत जैसा नहीं होगा और उस पर कार्रवाई भी होगी मुझे उम्मीद है। सम्मानीय सभामुख महोदय, बड़ा राष्ट्रीय त्याग का बात हो रहा है अभी, मुझे लगता है 5 दिन हो गया कीर्ति आजाद का ट्वीट आए हुए, कहां है राष्ट्रीयता सम्मान्य सभामुख महोदय हमारे परराष्ट्र मंत्री जी का, जो अभी तक कोई अभिव्यक्ति उसमें ना आना, यह एक दुखद है, खेदजनक है, मैं इसका विरोध करता हूं। दूसरा बात, सम्मान्य सभामुख महोदय, मुझे रक्षा मंत्री जी से मेरा प्रश्न है। 4 नंबर बाहनी राजा सहायक बाहिनीपति रामचंद्र केसी मोहम्मद जाबिर खां को मासू के नाम पर जबरदस्ती उपदान दिया गया, उनसे जवाब चाहिए क्या आज ये देश लोकतंत्र नहीं है, यहां लोकतंत्र समाप्त हो गया है, जो एक धर्म के नाम पे उसको बंगूर का मासू खाने के लिए बाध्य किया गया, नहीं खाने पर जबरदस्ती उपदान दे दिया गया। नंबर 2, मुझे गृह मंत्री जी से भी प्रश्न है और उस पर उनका जवाब आना चाहिए। आज इस देश के अंदर बहुजाति बहुभाषिक बहुधार्मिक का अवलंबन किया गया है प्रस्तावना में, मगर सम्मानीय सभामुख महोदय, इस देश के अंदर ईद बकरीद मोहम्मद डे और जनजाति जो इस देश का सबसे उत्पीड़ित समुदाय है, धर्म है, उसके छुट्टी को काट दिया जाता है, उसके मान्यता को मिटा दिया जाता है। मुझे गृह मंत्री से जवाब चाहिए कि ये सम्मानीय सभामुख मार्फत क्या ये यही है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो एक उत्पीड़ित धर्म समुदाय और जाति को जो है इस तरीके से हमारे पहचान को मिटाने का प्रयत्न किया गया है। नंबर 3, हमको गृह मंत्री जी से अभी तक जवाब नहीं आया, विप्लव ने बंद किया, धनगढ़ी के चर्च में एक धर्म के जो है प्रार्थना स्थल में विस्फोट हुआ, नेपालगंज के एंसल टावर में विस्फोट हुआ, 2-2 जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान में विस्फोट हुआ, भारतीय गाड़ी में आगजनी हुआ। सभामुख महोदय, क्या इनका पूर्व तैयारी नहीं था? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया सदन में, यह भी एक खेदजनक है सम्मानीय सभामुख महोदय। फिर गृह मंत्री जी से एक धन्यवाद देते हुए, जो यातायात का सिंडिकेट उन्होंने अंत किया है इसके लिए धन्यवाद है, तो क्या कर्मचारी का सिंडिकेट का भी अंत होगा जो दलीय मान्यता के साथ है? क्या पत्रकार का सिंडिकेट अंत होगा जो केवल अपने पार्टी का मैनिफेस्टो और मुखपत्र के हिसाब से जो है कर रहे हैं? क्या व्यापारिक सिंडिकेट का अंत होगा कि सीमेंट सरिया का रेट 200 रुपया बढ़ा दिया जाता है और जो है जबरदस्ती चरम नाडा जैसा गाड़ी का जो है 5-5 लाख रुपया मुनाफा लिया जाता है, क्या इसका भी अंत होगा? नंबर 3, मुझे अर्थमंत्री जी से भी प्रश्न है। क्या प्रश्न है सम्माननीय सभामुख महोदय? क्योंकि अर्थमंत्री महोदय ने अभी जो है एक आर्थिक विधेयक का जो है प्रस्तुत किया है सिद्धांत और प्राथमिकता, चर्चा है मार्केट में कि हम लोग नीति और नियम बनाने आए हैं, मगर सम्माननीय सभामुख महोदय, क्या नीति और नियम में कोई दलीय हिसाब से अभी तक सुझाव लिया है अर्थमंत्री महोदय ने? क्या हम प्रतिनिधियों से कोई सुझाव लिया है? हमको तो लगता है पीके फिल्म था, एक गोला से आया था एक मानव जो हाथ पकड़ के उसका डेटा ट्रांसफर कर लेता था, हमको लगता है उससे भी बड़का गोला से हमारे अर्थमंत्री जी आए हैं जो वैसे ही डाटा ट्रांसफर कर लेंगे और देश का नीति कार्यक्रम और विकास हो जाएगा। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय सभामुख महोदय, मेरा सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रश्न है और जिज्ञासा है। उन्होंने कल इस सम्मानित सदन में रखा कि हमने बॉर्डर पे जो अगला रोड बन रहा है उसमें कलवट बरसात से पहले निर्माण करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता होगा, और जो बांध का समस्या है, डुबान का समस्या, में बांके जिला से जो है प्रतिनिधित्व करता हूं क्षेत्र नंबर 2 से, वो क्षेत्र लक्ष्मणपुर बांध के नाम से हमारा जिला हमेशा डुबान में पड़ता है। अब 3 मीटर अगलो रोड बन गया है, कल बांके बर्दिया लगाए सारा डूबेगा, तो मुझे तो बड़ा खुशी हुआ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं कलवर्ट बनेगा, नहीं तो हमें तो लगता था बनाई छोटा बस बस सक्या है सभा सम्मान्य सभामुख महोदय, हमें तो लगता था कश्मीर का डल झील बनता, वहां पे हम ओलाम से जो है बोटिंग करते, डल झील तो नहीं बनेगा, डल झील बनता तो रेल भी नहीं चलता, सम्मान्य जो है प्रधानमंत्री का सपना भी अधूरा रह जाता। और तीसरा बात, प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी आया है, मैं और जो है हमारे समकक्षी दलों का भी बात आया है कि मुख्यमंत्री का अभिव्यक्ति जो है ये अमर्यादित है। मैं सम्मानीय सभामुख महोदय, मैं क्या कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी 12 बूंदे विस्तृत शांति समझौता
इससे पहले 46 में दूसरे देश के प्रधानमंत्री को बुला के जो है यहां पे बहुदलीय व्यवस्था के लिए जो है लॉबिंग करना, ये क्या कूटनीतिक मर्यादा के विपरीत नहीं था? आज हम अपने समस्या को इंटरनेशनल फोरम में, कल क्या इस सदन में उपस्थित दलों ने नहीं रखा है, तो क्या उस क्षेत्र नंबर जो है प्रदेश नंबर 2 के समस्या को अगर मुख्यमंत्री ने अवगत कराया तो यह कूटनीतिक मर्यादा के विपरीत नहीं है? पहले एक मुझे शेर याद आता है, आप कत्ल करें तो कुछ भी नहीं, हम आ भरे तो कातिल, आप दिन को रात कहें तो काबिल, हम दिन को दिन कहें तो जाहिल। धन्यवाद सम्मान्य सभा महोदय। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको भ्रमण सुरु